आयकर अधिकारियों ने देश को हैरान कर देने वाले एक कदम में हाल ही में सुरम्य में स्थापित कांग्रेस झारखंड के प्रतिष्ठित सांसद धीरज साहू से जुड़ी कारखानों की व्यापक श्रृंखला से अब तक 290 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक देश में इनकम टैक्स की छापेमारी में इतनी बड़ी रकम पहले कभी बरामद नहीं हुई थी। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले की धार तेज कर दी है। वे कांग्रेस के अलावा ओडिशा की बीजेडी सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। इस इनकम टैक्स छापेमारी के दो दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को तुल देते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न स्तर के बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अपने एक्स हैंडल पर नड्डा ने कांग्रेस सांसदों पर कटाक्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर और दफ्तर से इतनी बड़ी मात्रा में नगद बरामद होने से कांग्रेस बेहद असज्ज है। पार्टी के राज्य और केंद्र नेतृत्व ने तीरथ साहू से दूरी बना ली है। साथ ही पार्टी की ओर से कहा गया है कि इतनी रकम जमा करने के मामले में सांसद को स्पष्टीकरण देना होगा। पार्टी पहले ही उनसे जवाबदेही की मांग कर चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स हैंडल पर लिखकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। झारखंड में सक्रिय कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने रविवार को कहा कि सांसद धीरज साहू से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उन्होंने कहा पूरा मामला धीरज और उनके परिवार का निजी मामला है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे से खुद को अलग कर लिया, लेकिन बीजेपी ने साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। पार्टी के एक नेता शहजाद पूनावाला ने आज धीरज का एक पुराना ट्वीट सामने लाया जिसमें धीरज ने नोटबंदी की आलोचना की। अमित शाह ने कहा वे समझते हैं कि कांग्रेस चुप क्यों है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो उनके स्वभाव में है, लेकिन जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, एसपी सभी चुप है। यह समझ आता है कि केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान क्यों चलाया जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर ओडिशा के सत्ताधारी बीजेडी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर हमला करना नहीं छोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन की विफलता के कारण धीरज साहू और उनका परिवार इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने में सफल रहा। हालांकि बीजेडी सभी आरोपों को नकारने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी बिना वजह उन पर आरोप लगा रही है। बीजेडी का बीजेपी से काफी जुड़ाव है। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई। करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं, सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया, क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि उचित ही हुआ है, जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। बीजेडी संसद के अंदर और बाहर कोई भी बीजेपी विरोधी कदम उठाकर मोदी सरकार को परेशान नहीं करती है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इस शिकायत से राज्य स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच कुछ दूरियां बढ़ जाएंगी। इस समय काले धन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति विशेष जांच दल लगातार सतर्क है, आयकर खोजों के व्यापक संचालन की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहा है।
यहां तक कि हाल ही में इस अस्पष्टता का पता लगाने के लिए नवीन रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाई है। 10 साल से शासन कर रहे हैं, नेहरू की बात क्यों करते हैं? कांग्रेसियों को यही सबसे बड़ी समस्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यही समस्या है। लेकिन आज ही आप देखें कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद, सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था, 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है, फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है, तो उसमें ये दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी, पाई पाई का हिसाब लेंगे और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे,